नाम है आपका? रूबी आसिफ खान। रूबी आसिफ खान, बताइए क्या कार्यक्रम है आज आपका? आज भगवान जी गणेश जी जो मैंने स्थापित किए थे, आज उनको विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं। कहाँ पर ले जा रहे हैं? नरोरा। अच्छा, पिछले दिनों जो आपको मुराना और फतेह वगैरह जारी किया, उसके बाद आपने सुरक्षा की मांग की, पूरा मामला क्या था ये? मैंने भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की थी 31 तारीख को, तभी से ही ये फतवे जारी हो गए मेरे ऊपर मौलानाओं के कि ये हिंदू बन चुकी है, इनने अपने यहाँ मूर्ति रख ली, इसे इस्लाम से खारिज करो और परिवार को जिंदा जला के मारो, इस तरीके की धमकी हैं। और बाहर निकलती हूँ तो उल्टे सीधे कमेंटबाजी करते हैं कि देखो ये हिंदू जा रही है, हिंदू बन चुकी है। लेकिन मुझे इनके फतवों से और इनसे मौलानाओं से कोई डर नहीं है। मैंने रखी थी जिस तरह से धूमधाम से, उसी तरह आज धूमधाम से विसर्जन के लिए भी लेकर जा रही हूँ। अच्छा, आपने सुरक्षा की मांग किससे किससे की थी? जी, मैंने सुरक्षा की मांग की थी जिला प्रशासन से। के नहीं, अभी कोई सुरक्षा नहीं मिली, लेकिन हाँ, दो कांस्टेबल कभी मतलब कोई ना कोई आके बैठ जाता है। अच्छा। हाँ, 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए कोई भी आके बैठ जाता है चौकी थाने पे से। अच्छा, आज के लिए क्या इंतजाम किए हैं प्रशासन ने? आज के लिए तो सुनाई आई है कि 2 मतलब कांस्टेबल हमारे साथ जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात हुई थी रात को, उन्होंने कहा था कि मैं 2 अपने लोग थाने से भेजूंगा आपके साथ। अच्छा। जब तक विसर्जन नहीं हो जाता जब तक वो आएंगे नहीं। कौन कौन जा रहे हैं आपके साथ? हाँ, ये पता नहीं है मुझे अभी कौन कौन जा रहे हैं थाने पे से, तो कोई पता नहीं है। 2 लोग जाएंगे, लेकिन वैसे मेरी बहन जा रही है दोनों, एक फरा है और एक निदा। अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहेंगी कि आपने जिस तरह से मूर्ति रखी, फिर बीच में फतवे जारी हुई, उसके बाद आज विसर्जन के लिए जा रही हैं, क्या इस तरह के काम आप करती रहेंगी? बिल्कुल करती रहूँगी और करती आई हूँ मैं, बिल्कुल नहीं डरूंगी मौलानाओं की धमकियों से। और भी कोई फतवे दें तब भी नहीं डरूंगी, क्योंकि फतवे देना उनका काम है, शुरू से देते चले आए, मुझे इनसे डर नहीं लगता। मुझे जो अपना काम करना है वही काम। अंगुली जा रही है।